गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे लैंड फॉर्म के बारे में, लैंड फॉर्म मेड बाय द रिवर। देखिए, सम टाइम इन अ रेनी सीजन द रिवर ओवर फ्लो एंड सबमर्ज द सराउंडिंग रीजन ड्यू टू द एक्सेसिव रेनिंग। तो कभी कभार क्या होते हैं कि जो रेनी सीजन में और जो रिवर जो है वो ओवरफ्लो होते हैं, और जो पानी जो है वो कहाँ पे सबमर्ज होते हैं, सराउंडिंग पे, ग्राउंड पे आ जाते हैं। व्हेन इट इज सबसाइड्स द फाइनल एलुवियल सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर टू डिपॉजिट ऑन द फ्लोर। और ये जो रिवर जो है जो एलुवियल सॉइल लेके आते हैं तो वो डिपॉजिट करते हैं कहाँ पे, फ्लोर पे, ज़मीन पे। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फुट प्लेन्स। तो इससे क्या होता है कि ये क्या बनाते हैं, फ्लैट फर्टाइल फुट फ्लैट प्लेन्स बनाते हैं। दिस राइज रिवर बिंग और कॉल द लिविस। तो इससे हम क्या कहते हैं, लिविस कहते हैं। जो क्या होते हैं कि जो मतलब कभी जो रेनी सीजन की वजह से बहुत बारिश आने की वजह से रिवर जो है वो ओवरफ्लो होते हैं, तो वहाँ से पानी जो है वो सबमर्ज होके लैंड पे आ जाते हैं। तो उस पानी के साथ जो एलुवियल सॉइल होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं हमारे लैंड के ऊपर, तो उसे हम लिविस कहते हैं। और जो थर्ड स्टेज ऑफ द रिवर बीइंग अ बिफोर इट रीच द सी। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो रिवर जो है वो सी में पहुंचने से पहले क्या होते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स जर्नी, इसका जर्नी जो है वो ख़त्म होते हैं उसी जगह। तो रिवर बिकम वेरी स्लैशी, जो रिवर जो है वो सूख जाता है। एंड ड्यू टू स्लैशी मोमेंट इट डिपॉजिट ऑल द सेडिमेंट एट इट्स माउथ। स्लैशी की वजह से, सूखापन की वजह से क्या होता है कि जो रिवर के माउथ पे ही जो सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। द डिपॉजिट सेडिमेंट क्रिएट द एब्स्टेकल फॉर द रिवर टू मूव और हेड। तो जो उसके मतलब रिवर के मुंह पे ही जो मतलब सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो बाकी जो उनको एक रुकावट पैदा होते हैं वहाँ पे रिवर्स को, तो रिवर जो है वो स्प्लिट होते हैं अलग अलग स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज में। तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, मतलब जो पानी जो है वो अलग अलग साइड लेते हैं, अलग अलग साइड से बहते हैं। तो उनको मतलब सेडिमेंट वहाँ पे जब डिपॉजिट होने की वजह से एक मतलब रुकावट सा होता है उनको, तो ये लोग अलग अलग जगह से फ्लो होते हैं, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। बिफोर रिवर इंटर द सी, जो रिवर जो है वो सी में इंटर होने से पहले जो नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर्म आर डेल्टा, तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं, डेल्टा बन जाते हैं। डेल्टा जो है वो एक ट्राइंगुलर शेप होते हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा डेल्टा है इन द वर्ल्ड में। तो मतलब जो जो डिपॉजिट हुआ था, जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ था रिवर में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक डेल्टा बन जाते हैं। तो उससे जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। ऑल द रिवर्स डू नॉट फॉर्म द डेल्टा। सारे रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाते हैं। कुछ रिवर जो है वो क्या होते हैं कि ए रिवर जो है डस नॉट फॉर्म द डेल्टा, हैव अ नैरो फनल शेप ओपनिंग एट द माउथ। तो कुछ रिवर का क्या होते हैं कि उसका जो माउथ जो है वो फनल शेप होते हैं। तो जब ये मतलब इंटर होते हैं सी में, तो ये क्या होते हैं कि फैल जाते हैं, वाइडनिंग हो जाते हैं। तो जो ये फनल शेप ओपनिंग ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर इज कॉल्ड एज अ एस्चुरी। तो उसे जो जो रिवर का मुंह जो है, मतलब उसका जो मुंह जो है वो फनल शेप होते हैं, तो उसे हम एस्टिरी कहते हैं। दी नर्मदा रिवर फ्रॉम द एस्टिरी बिफोर इट आ फॉल्स इन टू द अरेबियन सी। जो नर्मदा रिवर का जो मतलब उसका जो मुंह होता है, जो रिवर का जो मुंह होता है उसका वो क्या होता है कि एस्टिरी फॉर्म में होते हैं। तो जब ये रिवर में फॉल होते हैं, अरेबियन सी में फॉल होने से पहले जो नर्मदा रिवर का मुंह जो है वो एस्टुरी होते हैं। एस्टुरी मतलब फनल शेप का होता है, तो उसे हम एस्टुरी कहते हैं। जो रिवर उसका फनल शेप होते हैं, उसका ओपनिंग माउथ, उसे हम एस्टुरी कहते हैं। फिर इसके बाद लैंड फॉर्म मेड बाय द सी वेव। सी वेव जो है वो कैसे अलग से एक लैंड बनाते हैं, देखिए। जस्ट एज अ रिवर, सी वेव्स आल्सो परफॉर्म द टास्क ऑफ द इरोजन एंड डिपॉजिट ऑफ द इरोड मटेरियल्स।
जस्ट एज अ रिवर की तरह जो सी वेव्स होते हैं, पानी के जो समंदर के लहरें होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इरोजन करते हैं और डिपॉजिट करते हैं मटेरियल्स को। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंट टू अल्टर द फेस ऑफ द कोस्टल रीजन। ये जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंट होते हैं कोस्टल रीजन में, जो टाइड के वजह से, स्ट्रॉम के वजह से ये लोग क्या करते हैं कि डिपॉजिट करते हैं लैंड, अलग लैंड फॉर्म बनाते हैं। और इस से मतलब क्रिएशन ऑफ द वेरियस लैंड फॉर्म बाय द कोस्ट, जो कोस्टल एरिया के सामने, ये इसकी वजह से मतलब जो वेव्स की वजह से या स्ट्रॉम की वजह से अलग अलग लैंड फॉर्म बनते हैं। द वॉक ऑफ द सी वेव्स इज कन्फर्म्ड टू आ कोस्टल एरिया बिकॉज ऑफ द अप्रॉक्सिमिटी द कोस्ट। इन फैक्ट द कोस्टल प्लेन देम सेल्फ फॉर्म बाई द इरोड एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर। जो वॉक ऑफ द सी क्या होता है कि ये भी मतलब कोस्टल एरिया के सामने अलग से एक लैंड फॉर्म बनाते हैं, जो कोस्टल एरिया के सामने मतलब ये लोग जो मैटर्स को, जो मटेरियल्स होते हैं उनको डिपॉजिट करते हैं, अंडर इरोजन के काम भी करते हैं। स्टीप वर्टिकल रॉक वॉल फेस दी सी इज कॉल्ड दी सी क्लिप। जो हमारे समंदर में जो वर्टिकली रॉक्स होते हैं, जो स्टीप वर्टिकल रॉक्स होते हैं, उसे हम सी क्लिफ कहते हैं। सी क्लिफ आर दी सीन एट अ फ्यू प्लेस नियर दी कोस्ट। जो सी क्लिफ आपको कहाँ देखेंगे, जो नियर दी कोस्ट के सामने। व्हेन दिस रॉक आर लैशी बाय अ स्ट्रॉन्ग सी वेव्स क्रैक बीइंग टू अपेयर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो जब इस सी पे जो समंदर का जो लहरें उस पे लगते हैं, तो इन पत्थरों पे क्या होते हैं कि क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये लोग मतलब इरोजन करना स्टार्ट हो जाते हैं। द कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ द सी वेव्स कॉज बाय द रॉक टू दिस इंटीग्रेटेड फर्दर फॉर्मिंग अ सी वेव्स। तो लगातार इन पे मतलब पानी के जो लहरें लगने के वजह से ये पत्थर जो है एक सी केव्स जैसा बन जाते हैं, गुफा जैसा बन जाते हैं। ग्रेजुअली द सी केव्स बिंग दी बिगर एंड ओनली अ रूफ रिमाइनिंग। तो खाली क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जिनका जो खाली रूफ ही रह जाते हैं। दस सी अर्चिज आर फॉर्म्ड एस इरोजन द कंटिन्यूस द रूफ कोलैप्स एंड व्हाट रिमेनिंग द वॉस। तो कभी क्या होता है कि लगातार पानी लगने की वजह से जो पत्थर जो है वो पिघल जाते हैं, तो कभी कभार इसका खाली रूफ ही रह जाते हैं, बाकी जो इनका जो दीवार जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, जो रूफ जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, बाकी साइड का वॉल ही रहते हैं। दिस वॉल्स आर कॉल्ड द क्रैक्स, उसे हम स्ट्रैक्स कहते हैं। फर्दर इरोजन ऑफ द स्ट्रैक्स फ्रॉम द स्टम्स। जो फर्दर जो वही स्ट्रैक्स पे वो जहाँ स्ट्रैक्स पे भी पानी लगने की वजह से ये भी इरोड हो जाते हैं, उसे हम स्टम्स कहते हैं। बीच बीच आर फाउंड बाय द डिपॉजिट ऑफ द सैंड ग्रेवल एंड पेबल्स ऑन दी सी शोर। बीच कब बनते हैं, बीच जो है जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं अलग अलग मतलब जो सैंड ग्रेवल्स पेबल्स जो है वो जो समंदर के साइड पे डिपॉजिट होते हैं, उसे हम बीच कहते हैं। सैंड बार आर फॉर्म्ड व्हेन ब्रोकन रॉक्स मटेरियल सैंड एंड ग्रेवल गेट डिपॉजिट ऑन अस फ्लोर लिटिल अवे फ्रॉम द कोस्ट। सैंड बार एंड नेरो एंड एलोंगेटेड। तो सैंड बार किसे कहते हैं कि जो समंदर के बीच में ही जो मतलब डिपॉजिट होते हैं मटेरियल्स, अलग अलग सैंड ग्रेवल्स पेबल्स, ये सारी चीज़ जो है वो समंदर के सामने मतलब डिपॉजिट होते हैं, तो एक मतलब एक नेरो एलोंगेटेड रास्ता बन जाते हैं, एक पतला सा मतलब लंबा सा एक रास्ता बन जाते हैं, उसे हम सैंड बार कहते हैं। ये जो है वो डिपॉजिट ऑफ दी जो मटेरियल्स सैंड ग्रेवल्स की वजह से बनते हैं। सम टाइम ए पोर्शन ऑफ द सी गेट अनक्लोज। जो कभी कभार जो पोर्शन ऑफ द सी जो है वो इनक्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं बिटवीन द कोस्ट के बीच में एंड द सैंड बार। जो कोस्ट एंड सैंड बार के बीच में मतलब कुछ पानी जो है, कुछ पोर्शन जो है वहाँ पे जम जाते हैं। द इनक्लोज्ड वाटर इज साल्ट वाटर लेक एंड कॉल्ड द लेगून्स।
तो वहाँ पे क्या होते हैं कि साल्ट वाटर होते हैं, उसे हम लेगून्स कहते हैं। लेगून्स मतलब जहाँ पे जो मतलब सेंड बार जो है, या कोस्ट एंड सेंड बार जो है वो इनक्लोज होता हो जाते हैं, उनके बीच में पानी जम जाते हैं। तो वहाँ पे ये इनक्लोज वाटर जो है वो साल्ट वाटर होते हैं और उसे हम लेगून कहते हैं। दी चिलिका लेक एंड उड़ीसा इन उड़ीसा एंड पुलिकेट लेक इन तमिलनाडु आर दी लार्जर लेगून। और जो चिलिका लेक है उड़ीसा में और पुलिकेट लेक है तमिलनाडु में, ये सबसे लार्जेस्ट लेगून है। दी केरला कोस्ट हैज़ अ नंबर ऑफ द स्मॉल लेगून कॉल्ड दी बैक वाटर। और केरला के जो कोस्ट में बहुत सारे स्मॉल लेगून से, उसे हम बैक वाटर कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।